उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल के चंदौसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सपा मुखिया पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण के 58 सीटों पर भारी संख्या में मतदान का ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने बहनों की सुरक्षा की, व्यापारियों की सुरक्षा की, इसलिए सभी लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हैं, अपराध बंद हैं, अराजकता बंद है। जो दंगाई थी, जो लोग अपराध और चुनौती करते हैं, उनके घर सन्नाटा है, क्योंकि 11 मार्च को उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगा करेंगे, उनकी कई पीढ़ी भरपाई करते करते थक जाएगी, अब तो चौराहे चौराहे पर उनकी उल्टी फोटो लगाने का भी काम होगा। उन्होंने कहा कि इंजन की सरकार में डबल डोज का राशन भी मिल रहा है, राशन का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहाँ चला जाता था, इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया इत्र वाले मित्र के नाम सुनकर इतने नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्र हों या माफिया हों या शफीकुर रहमान बर्क जैसा तालिबानी सोच रखने वाले, इनके लिए बुलडोजर की आवश्यकता है ना। विकास के साथ बुलडोजर भी साथ साथ है। जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे, उनके लिए सरकार का बुलडोजर सदैव खड़ा रहेगा। भाइयों बहनों, इस चंदौसी को मिनी वृंदावन मानी जाती है, और संभल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व रहा है। उस पौराणिक महत्व को कुछ लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। आज एक तरफ जहां चंदौसी विधानसभा सीट और संभल जनपद के विकास के लिए श्रीमती गुलाब देवी लगातार प्रयास करती है, वहीं संभल के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल भी शेर की तरह दहाड़ करके गीदड़ों को चुनौती लगातार देते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, श्रीमती गुलाब देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है ना, और श्री राजेश सिंघल को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है संभल में, जिससे संभल के अंदर से कोई तालिबान का समर्थन करने का दुस्साहस न करने पाए। ये तालिबानी महिला विरोधी है, मानवता विरोधी है, इनका समर्थन करना मानवता का विरोध करना है। इनका समर्थन करने का मतलब अव्यवस्था और अराजक कार्य भी आपके संभल में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था, यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते इत्र वाले मित्र का नाम सुनकर के, क्योंकि कहीं सच्चाई सहन करने के लिए आया हो। पिछली सरकार के समय दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, सभी लोग परेशान होते थे। पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? कोई दंगा कर पाएगा? क्योंकि दंगा करने वाले को ही मालूम है कि दंगा करेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन सरकार की भरपाई नहीं कर पाएगी, और घर बार तो बिकेगा ही बिकेगा। चौराहे चौराहे पर उनकी फोटो भी उल्टी करके लगाने का काम भी होगा, तय नहीं है। व्यापारी और नौजवान इसलिए उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में अब उनके सामने पहचान का कोई संकट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराध बंद है, अराजकता बंद है, और इसलिए वे उत्साहित होकर के वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है।
और भाइयों बहनों।